एक गिरा रे माँ मेरी शालो, अल्लाह अकबर, इतने सारे कपड़े यार, सही में यार एकदम टेंशन में डाल दिया तुमने मेरे को। देखो अम्मा, ओ दादी की बुड्ढी, क्या हुआ अम्मा? अस्सलाम वालेकुम आरान। अच्छा सलाम कर रहे है, मालूम ही नहीं यार मेरे को। अस्सलाम वालेकुम सलाम नहीं कर रहा है, कुछ दूसरा चीज कर रहा है। मुंह का रिएक्शन देखो, नहीं 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 ना ना। हगू कर रहा है ना ना ना। हगू कर रहा है भाई ना 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 ना। भाई हगू कर रहा है ना 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 ना। हाँ सही में भाई हगू कर रहा है, मुंह का रिएक्शन देखो ना 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 ना। पॉट्टी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग ना मैं थोड़ा सी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, दरअसल अभी रात के ना 8 बज रहे हैं ना। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा लेकिन कैसा वक्त ने इजाज़त नहीं दिया, तो मैं सोचा चलो अभी टाइम हो चुका है तो क्या हुआ भाई, अपन शेयर करते हैं, अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब की फैमिली को शेयर करते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, हम लोग के ना जो कबाट में और ये जो शोकेस रखा हुआ है ना, इसमें ना बच्चे लोग के कपड़े बहुत ज़्यादा, इसमें ना बच्चे लोग के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन ना बच्चे लोग के जो पहनने वाले कपड़े हैं वो रखते हैं, बाकी जो छोटे हुए जो फट फूट गए ख़राब हो गए हैं उसको अपन हटा डालेंगे, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए हैं तो अपने वो कबाड़ में भी रखने के लिए जगह नहीं है, पूरा फुल हो गया है और इसके अंदर भी जगह नहीं है। तो हम लोग वही साफ़ सफाई करने वाले हैं, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर लाइक। हाँ सोलिया मैडम, चलिए शुरू करते हैं। किचन साफ़ कर लो पहले। हाँ ठीक है, किचन साफ़ कर लो। अपन सबसे पहले शोकेस से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कबाड में ना। अब बच्चे लोगों को ना कपड़े कौन से पहनाए कौन से नहीं, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न बहुत होती है क्योंकि इतने सारे रखे हुए हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इसी वजह से भी हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सी रहे और अच्छा रहे, मस्त एकदम के टाइम पे अपने को मिल। कुछ तो बोल रहा है, क्या हुआ बेटा? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप सब? सबको सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोलो आरान कैसे हो सब? नहीं कैमरा नहीं छूने, बोलो कैसे हो सब? फातिमा क्या कर रहे तुम? पानी पी है। बैठ के पियो ना बेटा, पानी बैठ के पियो ना। हाँ अच्छे से बैठ। ये देखो कपड़ा फंस गया तेरा। बस बहुत हार है यार दोनों बच्चे, बहुत नखरे करते हैं। आ रहा मजा आ रहा है? आ रहा मजा आ रहा है? अभी मिल गया ना कैक्टस? हाँ दोनों ने लड़ना नहीं बेटा लेकिन, ठीक है? फातिमा कुछ बोला ना, चालू है वो, उसके अंदर बोलना पड़ता है। बोलो गाइस कैसे हो? अभी तो कुछ बोलेगा बच्चे लोग ने पूरा देखो तोड़ बिड़ दिया, इसको आड़ा तेड़ा कर दिया एकदम। चलो ना मैडम। हाँ पहनो नोज पीस स्कार्फ। अरे 8 नंबर नहीं जा रहे अपन, घर पे ही जा रहे हैं। इधर ही ये देखो, अभी ये ना अपन क्या करेंगे पता है फातिमा? इसको ना खोल के अपन साफ करेंगे, ठीक है? तुम्हारा जो भी खराब कपड़ा छोटा छोटा कपड़ा है ना जो फट फूट गया है उसको निकालेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा मत तोड़ो, चलो उसको बंद करेंगे ना, साइड में रख दो, पूरा तोड़ डालेंगे। चलो हाँ 8 नंबर नहीं जा रहे हैं, इसको बंद करके रख देता हूँ वरना ना भाई पूरा तोड़ के ना वाट लगा डाले पता है वो। हाँ हाँ क्या बात है माशाल्लाह। तो क्या बोलते चलो रेडी हो गए? हाँ। अरे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे तुम, रेडी हो गए? तो चलो भाई यहाँ पर ना हम लोग देखो इतने सारे कपड़े निकल, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं बच्चे के, तो सौलिया को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पहनाने का कौन सा नहीं। और हम लोग कहीं जाते भी है ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है एकदम, तो घाई घाई में कौन सा भी कपड़ा हम लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं बोला चलो अभी फ्री बैठे हैं घर में तो ये चीज़ अपन करके ले लेते हैं। पर ये मैं किसको देने नहीं दूंगी आपको? हाँ वो अपन भर के रखेंगे, तकिया वगैरह जो भी है ना। नहीं नहीं जिसमें अपन कपड़ा रख रहे हैं देने नहीं दूंगी। अरे पागल शोकेस कौन देगा? नहीं 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 कहे पागल बोल इतनी सी हो गई। हाँ तो क्यों क्या हजार तो खत्म होती ना वो। ये पहले, हाँ पहले ऊपर का माला जो पहनने वाला है ना वो इधर पे रखो, जो नहीं पहनने वाला है वो उधर पे रखो, या तुम्हारे को एक बाल्टी देता हूँ बाल्टी में रख लो सबसे बेस्ट। हाँ देखो नहीं पहनने वाला जो खराब है फटाफट है सब उस बाल्टी के अंदर रखो, ठीक है? फटे फुटे सब उसके अंदर भी? हाँ उसको वो भी निकालेंगे ना। अरे मेरे बच्चे लोग थोड़ा सी जाओ ना उधर खेलो ना,
जाओ खेलो, नहीं खेलेंगे। पिलाने वाला कपड़ा है तुम्हारे बाजू में, रख के देखो। ठीक, मैं तुमको देती जाऊंगी, तुम ऐसे रखते जाओ। ये छोटा है, फटा है, देखो। हाँ, वो फटेला है। डालो बाल्टी के अंदर। चलो तुम लोग दूसरी वाली बाल्टी से खेलो, हम लोग को काम करने दो यहाँ। ठीक है, जाओ इससे खेलो। हेलो, जाओ इस ये बाल्टी से खेलो तुम लोग। ठीक है, क्या हुआ? ये रुमाल है, गंदा रुमाल है, डालो इसके अंदर। हाँ, गंदा। तो यहाँ पर सोले आने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या बोले? गरारे आले। हाँ, ये अच्छा है। बड़े बड़े हैं वो, सब रहने दो। छोटे छोटे सिर्फ अपने को निकाल लेगा, फटे फटे निकाल लेगा। ठीक है, हाँ, उसको साइड में रख दो। ठीक है, ओ भैया, अरे भाई मेरा भाई, ऐसा करेगा? ओ भाई, ओ भाई, सुनो ना भाई, भाई सुनो ना भाई, फिर क्या बोलने का? हाँ, तो अरहान को वहाँ लेके जाओ ना, फातिमा खेलो ना वहाँ पर जाके तुम लोग दोनों। जाओ लेके आओ बेटा, और मग्गा लेकर आओ, जाओ मग्गा लेकर आओ, मग्गा लेकर आओ। क्या बोल रहे हैं? सब पिनाने वाले उधर रखे। हाँ, ये अच्छा है, अच्छा फट गया। मैं भी हेल्प करूँ? खेलो खेलो, तुम लोग दोनों जन वहाँ खेलो। हाँ, अब्बू को मत दो। अच्छा लाओ, तो देखो ये देखो, ये भी पूरा फटा हुआ। ठीक है, अच्छे से देख दाख के फिर ना, छोटा है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, जो छोटा है वो अच्छी है। अब भैया ये भी अच्छी है, भी रखो। अच्छी है, हाँ। ये देखो कितना, मतलब जो डल दिख रहा है ना वो भी हटा डालना, मतलब एकदम ऐसा एकदम खराब दिख रहा है ना, हाँ। वो भी हटा डालना, सीधा करके देखो उसको एकदम। हाँ, ये सही लग रहा है। ये देखो कैसा, ये नहीं पहनाने का। क्यों? ये भी अच्छा है, ये बड़ा टी-शर्ट है, ये फेंक दो। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। किसका है? आदमी को आएगा ऐसे, ऐसे टी-शर्ट आदमी को नहीं आएगा, आरान बड़ा आएगा तो आएगा। इसको भी रख दो साइड में, बड़ा होने के। हां, ये भी अच्छा है, ये भी पहनाने का। चलो इसको भी डाल देते हैं बाल्टी में। हां, ये तुम सब पहनाने के, इसके देखो। ओ बेटा, क्या है? जाओ ना तुम वहां पे काम करो ना अपना। उसको मैं बिठा के, चलो उसको जाओ आप बिठा के आओ पीछे, और उसको हाथ में ना खिलौना दे दो, उधर से खिलौना दो तो तुम। हाँ, पीछे ही उसको बाल्टी में खिलौना दे, पहले पकड़ो, खेलो बस। अभी देखो गाइस, हमारा ना एक तो तीन खाना खाली हो गया है, अभी तीसरा चल रहा है, मतलब सफाई कर रहे हैं, और पूरी बाल्टी फुल हो गई, और दुनिया भर के रुमाल देखो बच्चे लोग के उसमें मिल रहा है, और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता हूँ कि हमारे सोलिया मैडम ने पूरे रुमाल कहाँ रख दिए हमारे। ए, क्या हुआ? और ना नीचे कॉकरोच थे ना, तो मैंने अभी जस्ट स्प्रे मारा, फातिमा देखो कॉकरोच से डर रही है। क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जाओ बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, चलो बेटा जल्दी जल्दी। सोलिया डाल रहे ना, तो मेरे को भी चेक करना पड़ रहा है एक बार, क्योंकि ना हमारी मैडम ना बोलते ना क्या कि मेरी नज़र से बच के ना बच्चे लोग के कपड़े ना जो ख़राब है या वो है ऐसे बोल रहे, आ जाएगा आ जाएगा, तो मैं देख रहा भाई कौन सा आएगा कौन सा नहीं, बराबर एकदम। तो गाइस, हमारा जो शोकेस है ना, तो उसकी सफाई हम लोग ने कर दिए हैं। देखो अभी सोलिया जो मेरा स्प्रे मारा था ना, क्या बोलते अपना कॉकरोच के लिए, तो अभी वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। इतने कपड़े निकले हैं अच्छे वाले, और ये इतने निकले हैं ख़राब। क्या हुआ बेटा? हाँ देखा, मैंने देखा। क्यों डर गए थे? हाँ, अल्लाह कॉकरोच से डर गए थे? बाप रे, अब नहीं डरने का। हाँ, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ रुको, पहले ना अपने दिमाग में एक आइडिया आया, तो देखो पूरा खाली तो है और इतने सारे कपड़े हैं, तो मैंने सोलिया को क्या बोला कि जो भी पैंट पैंट है ना पूरा घड़ी मार के एक खाने में रखो, और जो ऐसा कपड़े है टी शर्ट वगैरह है ना उसको घड़ी मार के एक खाने में रखो, ताकि पैंट और शर्ट अलग अलग हो जाए, मस्त एकदम। आ चलो वैसे करेंगे ना। चलो ठीक है, तुम्हारे को ये सब मैं अलग अलग करके देता हूँ, तुम घड़ी मारते रहो, ठीक है। चड्डी चड्डी पैंट घड़ी मार मार के जमाते रहो, ऊपर शर्ट रखो नीचे पैंट रखो, ठीक है। दिमाग में एक आइडिया और आया है कि अरहान के फातिमा के अलग अलग रखो, ठीक है। अरहान के पूरे नीचे रख दो और फातिमा के ऊपर रख दो, ठीक है। सबसे बेस्ट, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग अलग दोनों के कपड़े रहेंगे। ये अच्छा आइडिया है दिमाग में। इतने कपड़े थे, बाकी कपड़े तो निकाल के फेंक दिए, जो फालतू कपड़े थे अब तो जो रख रहे साफ सफाई करके। बड़ों से ज्यादा बच्चों के कपड़े, बड़ों से ज्यादा तो बच्चों के कपड़े
सही में अभी तक उतनी बाल्टी निकली, अभी कबाट में भी बाकी है, अभी कबाट का बाकी है ना। हाँ ना, और वहाँ देखो मैंने लोगों ने निपटा दिया हूँ, वो क्या बोलते हैं बेफर, देखे बेफर तो मस्त वहाँ पर खा रहे हैं बहन भाई, बहुत मस्त लड़ाई करते हैं। अरे सही में यार, इतना लड़ते हैं कि क्या ही बोलूं। अभी फातिमा का धुआं तो आराम चिल्लाता है, आराम का धुआं तो फातिमा चिल्लाती है, अल्लाह अकबर। चलो खैर कोई नहीं, अपन अलग अलग कपड़े कर लेते हैं फिर आप लोगों को। तो मैंने अरहान के और फातिमा के कपड़े अलग कर दिया हूँ, अरहान के देखो यहाँ पर है और फातिमा के यहाँ पर है, और भी यहाँ पर सौलिया देखो गाड़ी मार मार के सब जमा रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा दरवाज़ा खोलो। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा दरवाज़ा खोलता हूँ ना मैं, जाओ हाथ धोने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई इतने सारे कपड़े निकले हैं, तो अभी कबाट का बाकी है, अपन कबाट का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो माँ देखे, इतने कपड़े जमा हो चुके हैं बच्चे लोग के, आधा गिनती के साथ 6 से 7 कपड़े हैं हमारे पास, और बच्चे लोग के पास देखो भर भर के दुनिया भर के। फिर भी सौलिया बच्चे लोग को नहीं पहना पाते अलग अलग कपड़े, गर्मी है ना। अच्छा तो हाँ क्या, चलो ठीक है। अरे माँ उसको देखो, नहीं मेरा बच्चा जरा आराम से ऐसा नहीं करने का, आराम से खाओ जरा आराम से। फातिमा ना हर दोनों मोरी में चले गए ना, सो फायदा उठा। तो ये कपड़ा भरने के लिए मैंने गोनी निकाल दिया, चलिए फटाफट गोनी में भर लेते हैं। ये गोनी भर के मैंने साइड में रख दिया हूँ, अभी अपना कबाट के अंदर से निकलेगा ना तो और भी डालने का है, तो इसी वजह से वहाँ पे रख दिया मैंने। और यहाँ पे सौलिया के आधा से ज़्यादा पूरा भराई हो गई है, चलो भराई कर दी, भराई बोल कलर दे रही। देखिए फ्रेंड में कलर दे रही प्यूटी पुट्टी भरने की बात क्या 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 प्योटी पुट्टी प्योटी पुट्टी अभी सांदा भरने का भी पुट्टी सांदा भरने का भी कलर चॉइस करूँ, कौन सा शोकेस को कलर दूँ। अरे मुंह से निकल जाता यार वो प्योटी पुट्टी बोलते, प्योटी पुट्टी भरने पीओपी पुट्टी। हाँ हो गया तुम्हारा लगभग पूरा सामान भर के, सॉरी इतना घड़ी मार के। तो देखिए मेरी पूरी भराई हो गई माशाल्लाह। तो अरहान का और फातिमा का कहाँ है? ये पूरे अरहान के, ये फातिमा के पूरे। हाँ क्या, चलो ठीक है। फातिमा को तो बहुत ज्यादा दिख रही है, फातिमा को नीचे वाला खाना भी लगेगा मेरे ख्याल से। अक्सर ना भाई लड़कियों के ज़्यादा कपड़े रहते, मेरे समझ लो 7 से 8 कपड़े हैं, वो इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में शेयर करूँगा। और सौलिया के पूरे पूरे 2 खाने भर के कपड़े, माशाल्लाह फिर भी बोलते हैं एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, इतना कपड़ा होने के बावजूद भी समझ भी नहीं आता क्यों लड़कियाँ इतना कपड़ा खरीदती है, पहनती तो है ही नहीं। लड़कियों को कपड़े इस वजह से खरीदने रहती है कि कुछ निकला, फंक्शन निकला, जाना आना पड़ता ना, तो कपड़े अच्छे अच्छे होना। अच्छा और लड़कों का, लड़कों को क्या है, लड़कों पैंट शर्ट पहने निकल गए। अरे वाह, मेकअप लगता है, कपड़े लगते सब लगते। तो मेकअप है कि नहीं तुम्हारे पास? मेरा मेकअप है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह क्या बात है, सब है ना। ठीक है, तो हम दोनों मियाँ बीवी में ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है। तो अपना जो भी शोकेस का सामान है बस थोड़ा ही बाकी है, हो गया। उसके बाद अभी कबाट का सामान ना मैं निकाल लेता हूँ, जब तक यहाँ पर ना निकाल के साइड में ऐसा पूरा कपड़ा जमा कर देते, ठीक है। मेरे बच्चे लोग सताएंगे तो नहीं ना, सताएंगे तो नहीं ना, ठीक है। अभी अब्बू को और काम है, अब्बू अम्मी को बहुत सारा काम है, ठीक है। तो जो भी ज़रूरत का सामान सिर्फ घर में वही रखेंगे, और खूबसूरती बढ़ती है इससे, जितना ज़रूरत है सामान उतना ही रखना चाहिए। ज़्यादा सामान रखने से ना घर की खूबसूरती एकदम मर जाती है। क्या हुआ? तो मैं खोल दिया हूँ, चलो अपन यहाँ से अपने कपड़े गिराते हैं। ऐसा एक गिरा। अरे माँ मेरी शालो, अल्लाह अकबर, इतने सारे कपड़े यार, सही में यार एकदम टेंशन में डाल दिया तुमने मेरे को। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कोने में कहीं सर पकड़ के बैठ जाऊँ मैं, ऐसा लग रहा है शोकेस से ज़्यादा कबाट के अंदर थे ये देखो। अल्लाह अकबर, बापरे बाप, सालिया बेचारे देख रहे हैं कि इतने से मैं फारिग हुई नहीं, यहाँ पर मेरे शौहर जी ने इतना और निकाल के रख दिए हैं, क्या करेंगे भाई, अभी है तो करना ही पड़ेगा ना। चलो बाबू आ जाओ इस साइड, अभी ये जो रखा हुआ है इसको भी फटाफट निपटा डालते हैं। तो चले गाइस, इसको भी सही करके आप लोगों से मिलते हैं।
तो फाइनली भाई हमारा जो कबाड़ के अंदर का कपड़ा निकला था ना वो भी साफ करके हो गया। तो इतना सारा हम लोग ने यहाँ पर कपड़ा निकाल दिए हैं, देखो ये वाला और ये वाला अच्छा है, और सिर्फ ये वाला गोनी में डाल के अपन उसको कोटमाले पे रख डालेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए यार बच्चे लोग के भी, देखो। तो अभी इसके अंदर से ना अरहान के फातिमा के जो अलग अलग करके उसको अलग निकालो, ठीक है। अरहान कितने सारे कपड़े बेटा, पहनते तो है ही नहीं। हाँ ये वाला ना, ठीक है चलो। तो यहाँ पर फाइनली पूरा कपड़ा छाट के हो गया है, ये अरहान का है और वो फातिमा का है। तो सालिहा भी धीरे धीरे जा रहे हैं कबाड़ में रखने के लिए। तो देखा गाइस आप लोगों ने हम लोग के कितने सारे कपड़े निकले हैं यहाँ पर, देखो धीरे धीरे पूरा रख देंगे। हाँ चलो पूरा रख देंगे ना, तो चलिए। और क्या बोलते हैं अपना गाइस, तो आप लोग ऐसा मतलब कुछ भी नहीं सोचना कि इतना पसा रहा है घर में। अभी धीरे धीरे हम लोग भी कर रहे हैं सफाई वगैरह जो भी है। और ये जो कपड़े निकले हैं ना, तो इसमें से जो काले पीले मतलब दाग धब्बे लग गए हैं, फट गए हैं, सिर्फ वो निकाल के हम लोग फेंकेंगे। बाकी जो अच्छे कपड़े हैं वो निकाल के हम लोग अच्छे से ना गोनी में पैक करके कोटमाले पे रख डालेंगे, ठीक है। तो अभी तो बच्चे लोग का किए हैं, इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा ना तो हम लोग का भी बहुत सारे कपड़े हैं जो वेस्ट हैं और कैसा थोड़ा सी मतलब कबाड़ गंदा भी हो गया है, कपड़े वपड़े घड़ी नहीं है। तो वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। अपना शोकेस का तो पूरा फाइनल कर दिया हम लोग ने, और कबाड़ का सिर्फ अभी बच्चे लोग का हुआ है। तो चलिए आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बाय बाय।